और मैं आपका दोस्त विकास पर स्वागत करता हूँ अपनी न्यू वीडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको बताया, मैं निकला हूँ अपनी दक्षिण भारत यात्रा पे, जिसका आज है आपकी 29 तारीख, जिसका आज है आपका 13वां दिन। और हमारे 3 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं, नागेश्वर, सोमनाथ और त्र्यंबकेश्वर। अब हमारा 4वां ज्योतिर्लिंग होने वाला है आपका भीमा शंकर, जो कि महाराष्ट्र में ही पड़ता है। आज हो जाएगा शायद, देखते हैं, कह तो रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम और लगता है ये सब होने में। दोस्तों मैं आपको ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि यहाँ पे काम बहुत पड़ते हैं, क्योंकि यात्रियों के लिए खाना वाना बनाना, चाय वाय बांटनी पड़ती है, तो इस चक्कर में मुझे ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा जानकारी दे नहीं पाता हूँ। और बस ट्रैवल में मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बोलूँ क्या, खाली बस चल रही है तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाता हूँ उसमें। चलो आपको लेके चलते हैं बस के पास, देखते हैं वहाँ पे क्या गतिविधियाँ हो रही है। आज हमारा भीमा शंकर भी हो जाएगा। दोस्तों बस धर्मशाला से निकलने का समय हो गया है, गाड़ी में बैठ चुके हैं। उस्ताद का इंतजार है, उस्ताद का इंतजार है, बस उसके बाद चलते हैं सीधे भीमा शंकर की डीएटी के लिए। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं घनेश्वर महादेव मंदिर, जो कि आता है आपका ज्योतिर्लिंग में। और बधाई भी बन रहा है यात्रियों के लिए, खाना मैं आया हूं आपका चावल निकालने के लिए। इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो इस समय पहले खाना ही बन रहा है, उसके बाद खाना बनने के बाद, खाना खाने के बाद सारे लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। सामने पे ही मंदिर है, मंदिर ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन भीड़ क्या है इस समय पे, सीजन चल रहा है तो भीड़ बहुत है यहाँ पे। अब तो जितने टेम्पल में हम जाते हैं तो वहाँ भीड़ ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, जैसे तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम हो गया, मेन जो ज्योतिर्लिंग मेन मंदिर है, उनमें अब हमें भीड़ देखने को ही मिलेगी। यात्रा में, बस यात्रा में दोस्तों सारा खाने का सामान खाते सवा सारा साथ में चलता है, क्योंकि कहीं पर भी अगर आदमी को भूख हो तो आदमी के लिए खाना बना के आदमी यात्री लोग खा सकते हैं, क्योंकि बस को दिन रात चलना पड़ता है तो उठने का टाइम इतना होता नहीं है, इसलिए खाना हमेशा साथ नहीं चलता। आपके सामने घनेश्वर महादेव मंदिर ज्योतिर्लिंग देखते हैं भीड़ कितनी है, बराबर चलते हैं दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं सीधे। सोचो जरा, चाहते हो या जा चाहते हो, हमसे बताओ के क्या चाहते हो, कितना सोना गजब का दिन, कितना सोना दार आदमी तो बेवकूफ बनना वहां जाके मैं को मासा बड़े फटाफट आ रहे हैं। मतलब मैं जाऊँ नहीं जाऊँ फिर? नहीं
बेवकूफ मंदिर में जाओ, हेलो कहाँ जाओ, लेकिन इन ऐसी जगहों में जाने को खा जाओ। मैंने तो सोचा एलो तेरा के झाड़ूंगे, जैसा आगे है वैसे ऊपर है, वैसे नीचे है, कोई चेंजिंग नहीं, कुछ भी बात आ गया। 40 ठुक गए यार, 40 लेकिन कुछ चीज तो हो, इससे जूस पीता का मजा थोड़ी ताकत आती और दौड़ता। हमने वो व्यवस्थित फ्राइडा ले लिया, क्या लगा ये वैसी ले लिया मुझे खोली भी क्यों क्या लगा बोले इतने काम में क्या 100 रुपए का मिल जाए बोले फिर क्या कहूँ बोले ले बल इन चीजों में घूम रहा हूँ और ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं। अब जा रहे हैं शनि सिंगापुर जी के मंदिर के लिए, देखते हैं यहाँ से कितना होगा। फिर भी सपने कर दिखाओ, सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल ले पाए।